हेलो दोस्तों, वेन वेलकम माय चैनल। जैसा कि आप सब लोग तो जानते हैं कि इस समय क्या है, मैं इस चैनल पर वीवो की जो है तो 10 पार्ट की एक सीरीज बना रहा हूँ। तो उसी में क्या है कि अपन ने 9 पार्ट बना दिए हैं और तो अपन 10वें पार्ट की बात करेंगे। ये सीरीज का लास्ट वीडियो है। तो क्या है कि यदि आप वीवो फ़ोन से रिलेटेड आपका कोई भी नॉलेज या ज़्यादा एडवांस सेटिंग के बारे में आप जानना चाहते हैं, या मतलब अपने नॉलेज को क्या है कि आप थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं वीवो फ़ोन को लेकर, तो आप बिल्कुल आसानी से इन जो 10 पार्ट की मेरी सीरीज है आपको लिस्ट पर मिल जाएगी। वहाँ से आप जाकर बिल्कुल आसानी से इनको देखकर आप अपने नॉलेज को बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। बाकी अभी अपन क्या है कि 10वें पार्ट में अपन बात करेंगे एक फ़ीचर्स की, जो एडवांस फ़ीचर होते हैं वीवो की। तो क्या है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, इसलिए मैंने सोचा इस पर एक 10 पार्ट की एक सीरीज बना देते हैं। तो क्या है कि जो भी यूज़र होंगे तो वो इन पार्ट को देखकर अपना क्या है वीवो फ़ोन को लेकर अपना नॉलेज जो है तो क्या है कि थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, और उनका क्या यूज़ करके अपने फ़ोन को स्मार्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। क्या बहुत सारे लोग ये पता नहीं होता, जब अपन फ़ोन लेते हैं तो क्या वो एडवांस फ़ोन तो ले लेते हैं महंगा, उनको पता नहीं होता कि ज़्यादा फीचर्स क्या है इस फ़ोन में, कैसे उसको यूज करना है। तो इसीलिए मैंने सोचा उसको अपन 10 पार्ट की एक सीरीज बना देते हैं। तो क्या है कि उनको भी थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, इसको देख कर वो बिल्कुल आसानी से क्या है कि अपने जो फंक्शन है फ़ोन के उनको यूज़ कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन क्या है कि आज 10वें पार्ट में अपन बात करेंगे मोटर बाइक मोड की। मतलब जैसे आप ये क्या होता है वीवो फ़ोन पर, कंपनी क्या है कि अपना मोटर बाइक मोड जो है तो वो प्रोवाइड करके देती है वीवो फ़ोन की जो कंपनी है। तो उसमें क्या रहता है कि मतलब जैसे आप बाइक चला रहे हैं तो आप उस मोड को ऑन करके कैसे आप मतलब बाइक चलाने के टाइम आप कॉल को कैसे मैनेज कर सकते हैं, आप मैसेज को कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो उसी से रिलेटेड एक सेटिंग होती है जिसकी अपन बात करेंगे। तो चलिए अपन क्या है अपने सेटिंग में चले जाते हैं, उस सेटिंग के बारे में बात करते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ से देखेंगे आपको मिल रहा होगा मोटर बाइक मोड। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से यदि इसको चालू कर देता हूँ मोटर बाइक मोड को, यहाँ से आप डिस्क्लाइमर बता रहा है आप इसको पढ़ सकते हैं। मतलब प्लीज मेक श्योर ऑब्जर्व ऑल द लॉ रेगुलेशन, आप व्यू करके यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अभी क्या है डाटा ऑन नहीं है तो ये नहीं बताएगा, आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। एग्जिट कर देता हूँ इसको। देखिए अब ये इसका फंक्शन क्या है, ऑटो रिजेक्ट कॉल। अब आप यदि मोटर बाइक मोड चालू करके रखते हैं तो यदि आप ऑटो रिजेक्ट इनकमिंग कॉल में करके रखते हैं तो ऑटो रिजेक्ट हो जाएगी। यदि अलाउ ऑल कॉल करके रखते हैं तो कॉल आएंगी आपकी। यदि अलाउ सम कॉल्स तो आप जो भी सेलेक्ट कर देंगे इस पर फेवरेट में या कुछ भी, तो उसकी यह कॉल आपकी शो करेंगी आएंगी। इसके बाद क्या है एस एस स्पीड बिफोर एंसरिंग, When enable incoming call will not get through when you are riding at higher than 10 km/h, this function will increase power consumption, speed assessment will be disabled when the battery is less than। इनको आप पढ़ सकते हैं। allow repeated call, मतलब यदि आपकी कोई repeated call आ रही है यदि आप इसको चालू करके रखते हैं तो वो क्या है कि ऑटो रिजेक्ट नहीं होगी। यदि आप इसको बंद कर देते हैं तो वो कॉल भी आपकी क्या है रिपीटेड वाली भी ऑटो रिजेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप उन फंक्शन का मतलब जो मोटर बाइक मोड होती है मतलब बाइक चलाने के टाइम आप इनका यूज करके क्या है कि थोड़ा सा सेफ़ रह सकते हैं बाइक चलाते समय। क्या है कि बहुत सारे लोग बाइक चलाने में क्या फ़ोन उठा लेते हैं, कभी एक्सीडेंट हो गया कभी कुछ हो गया, तो इस तरह से क्या है कि आप बहुत बड़े एक्सीडेंट वगैरह से बच सकते हैं यदि आप इन मोटर बाइक मोड का यूज़ कर लेते हैं बाइक चलाने के टाइम। तो दोस्तों आपको समझ ही आ गए होंगे मोटर बाइक मोड को आप कैसे यूज़ करना अपने वीवो फ़ोन पर। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करें। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे को इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी ऑन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।